नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। T20 वर्ल्ड कप में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी तक भारतीय टीम डिसाइड नहीं हो पाई है। अब आप कहेंगे कि भारत की टीम का ऐलान तो बहुत पहले ही हो चुका है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम डिसाइडेड नहीं है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों के खेलने पर संशय बना हुआ है, जिसमें हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती नाम प्रमुख हैं। यह दोनों खिलाड़ी चोट की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि ये खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ भी ऑफिशियल तरीके से नहीं कहा गया है, लेकिन भारतीय चयनकर्ताओं ने इन खिलाड़ियों के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। खबरें आ रही हैं कि भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने एक खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। इस हरफन मौला खिलाड़ी ने IPL में जमकर धमाल मचाया है। हम बात कर रहे हैं IPL में KKR के लिए खेलने वाले ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर की, जिनको भारतीय टीम के साथ रहने के लिए कहा गया है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार नाइट राइडर्स के उभरते हुए सलामी बल्लेबाज और मध्यम गति के तेज गेंदबाज वेंकटेश अय्यर को T20 वर्ल्ड कप के लिए कवर के तौर पर दुबई में ही बायोबबल में रहने को कहा गया है। हार्दिक बल्लेबाज के रूप में भारतीय टीम से जुड़े रहेंगे, जबकि अय्यर उनका कवर होंगे। आपको बता दूं कि वेंकटेश ने IPL में अपने प्रदर्शन से सभी को खूब प्रभावित किया है। वेंकटेश ने 8 मैच में 265 रन बनाने के अलावा 3 विकेट भी चटकाए हैं। इस दौरान उनका औसत 37.85 का रहा है, और अगर हम उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वेंकटेश का स्ट्राइक रेट 123.25 का रहा है। वेंकटेश ने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 8.53 की इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं। ऐसे में वेंकटेश को टीम में शामिल करना कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मजबूत करेगा, और अगर हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप से हटते हैं तो वेंकटेश उनकी कसर पूरी कर सकते हैं। हार्दिक चोट के बाद गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, यही नहीं IPL में उनका बल्ला भी नहीं चला। उन्होंने मुंबई के लिए IPL के मौजूदा सीजन में 12 मैचों में केवल 127 रन ही बनाए हैं। भारत के अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलने से होगी। यह मुकाबला 24 अक्टूबर को खेला जाएगा।